अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग। हमने एक और छोटी सी कोशिश की अपने इलाके की मस्जिद का जो वज़ू का वेस्ट पानी जो नालों में ज़ाया हो रहा था, हमने कोशिश की वहाँ लाइन बनाई और इस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं ये पानी सारा आगे लो, ये पानी जो है सारा वेस्ट सीधा ग्राउंड के अंदर जा रहा है। अब ये पूरा जो ग्राउंड है जो आपको बंजर नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर हमें ये है कि सोर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हो गई है कि वज़ू का जो पानी हम उसको यूज़ करेंगे। मेरे पास इतना बजट नहीं है ना इतनी अमाउंट है कि हम यहाँ पर टैंक बना सकें, तो मैं यहाँ पर बाढ़ की सूरत बना दूंगा और इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पर भी हम प्लांटेशन करें। तो आप तमाम दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि यार किसी के पास कुछ सजेशन है, कोई राय है तो अभी हमें वो दे दे, फिर ऐसा ना हो कि हम काम शुरू कर दें तो फिर वो अपनी राय और अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। और बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि हमारी तरफ भी मस्जिदों में आके ये काम करें, तो मैं बताता हूँ मैं एक आम आदमी हूँ और सिंगल हैंड वन हैंड काम करते हैं, हम अकेले काम करते हैं और अपने मदद आपके तहत काम करते हैं। मेरे पास ना इतना बजट है ना मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं हर तरफ जाके हर मस्जिद के अंदर ये काम कर सकूँ। मेरा मकसद जो है एक आइडिया देना है, एक विजन देना है कि इस तरीके से काम हो सकता है। तो जो लोग भी अपने अपने इलाकों में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं हर मस्जिद के साथ ईदगाह मौजूद है, तो वहाँ पर जो है वो ये काम कर सकते हैं, अपने वज़ू के पानी को अपने ईदगाह में, अपने ग्राउंड में, अपने पार्क में ले जा सकते हैं और उसको प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।